पूरी दुनिया में वैश्विक महामारी कोरोना वायरस से हुई मौत के बाद भटकती आत्माओं की मुक्ति मार्ग करने के लिए मोक्ष धाम गया जी की अंशलीला फल्गु नदी के तट पर सामूहिक पिंडदान कर उनकी आत्मा की शांति और मुक्ति के लिए मार्ग प्रशस्त किया गया। गया पाल पंडा मुक्ति धाम गया जी के देवघाट विष्णुपाद मंदिर के निकट पूरे कर्मकांड और अनुष्ठान के साथ तर्पण और पिंडदान का काम किया गया। गया जी के पंडा समाज और स्थानीय समाज सेवियों द्वारा मंत्रोच्चार धर्म ध्वनि के साथ हुआ। इस पिंडदान के आयोजन को लेकर लोगों ने बताया कि इस साल कोरोना के कारण बड़ी संख्या में लोगों की मौत हुई, लेकिन कई ऐसे परिवार रहे जिनके घर में ही सही तरीके से अंतिम संस्कार नहीं किया गया। इस सामूहिक पिंडदान से उन सभी की आत्मा की शांति के लिए पूजा किया गया। कोरोना के कारण कई बार यह देखा गया कि कई लोग ऐसे रहे जिन्होंने अपने परिवार के सदस्यों के मरने के बाद उनके क्रियाकर्म नहीं किया। आज देश में उस सभी परिवार के नाम पर पिंडदान का आयोजन किया गया। हर साल ज्ञान एवं मोक्ष की नगरी गया जी में पितृपक्ष मेला लगता है, जिसमें देश विदेश से बड़ी संख्या में लोग अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए पिंडदान करने आते हैं। मान्यता है कि फल्गु में पिंडदान करने से मृतक की आत्मा को शांति मिलती है। लाल चौरसिया अथक प्रयास के द्वारा ये कोरोना काल में जिनकी मृत्यु हुई, जिनका श्राद्ध कर्म ढंग से नहीं हुआ, हमारे हमारे श्रद्धेय पंडा जी श्री संजय लाल भैया, विवेक लाल भैया, गोविंद लाल भैया, टुंटू लाल भैया सब मिलके प्रेरित किए और उसके चलते और ये फाउंडेशन जो श्री सदानंद संकल्प फाउंडेशन हैदराबाद के द्वारा हमको ये इसमें सहयोग मिला और मैं आज उसके लिए ये पिंडदान करवा रहे हैं और कर रहे हैं। हाँ, कोरोना काल में जो भारतवर्ष में जो भी गुजर गए हो, जिसको मुक्ति नहीं हुआ हो, मरने के बाद उनको लड़का लोग दाह संस्कार करने के लिए शास्त्र नियम लिखा हुआ है। ऐसे कोई दाह संस्कार करने में छूटा हुआ हो, जो मरने के बाद एक दिन से लेके 12 दिन या 13 दिन तक क्रियाकर्म होता है, ऐसा कोई कर्म बच्चे लोग को नहीं किया हो, ये भारतवर्ष में कोई गुजर गए हो, उनके लिए हम गया जी में सबका नाम लेकर के भारतवर्ष में जो भी गुजर गए हो उनका उनके लिए हम गया में आकर के ब्राह्मण मुखेना हम गया श्राद्ध कर रहे हैं। उन लोगों के लिए सबको मुक्ति भगवान दे दे, सबको शांति मिले और भारतवर्ष में कोरोना ये संकट जल्दी जितना जल्दी हो, जितना शीघ्र हो तो मुक्ति होने के लिए भगवान से हम लोग ब्राह्मण मुखेना हम लोग को आशीर्वाद देने आंध्र तेलंगाना भगवान से समझौते से हम लोग गया दिमाग पिंडदान करते हैं। ऐसे ये कोरोना जितना जल्दी मुक्ति हो जाए भगवान से हम लोग प्रार्थना करके ब्राह्मण लोग का। आज दिनांक 10 जून 2020 2021 को श्री जी मनोहर लाल जी, जो मेरे पिताजी हैं, एवं श्री शिव स्वानंद सत्संकल्प फाउंडेशन हैदराबाद और आंध्र तेलंगाना भवन गया की तरफ से कोरोना में मृत लोगों के लिए एक सामूहिक पिंडदान का आयोजन किया जा रहा है। कोरोना का दूसरा वेव बहुत ही भयावह रहा और इसे बहुत सारे लोगों का अंतिम संस्कार भी अच्छे तरीके से नहीं किया जा सका। इस कारण मेरे पिताजी, जो कि ये स्वर्गीय श्री कन्हैयालाल जी के बड़े सुपुत्र हैं और पिछले 200 वर्षों से गया में पिंडदान का कार्यभार संभाल रहे हैं, और हमारे साथ गया पाल पंडा के मुख्य प्रमुख पंडा श्री राधे कृष्ण छोटे लाल भैया के जी के परिवार, श्रीमान संजय भैया जी, श्री विवेक भैया जी, श्री गोविंद लाल भैया जी, श्री कमल भैया जी एवं अन्य लोगों ने मिलकर हमारे साथ आज पिंडदान का संकल्प लिया है। हमारे मुख्य पुरोहित एवं आचार्य श्री गणेश शास्त्री जी आज इस पिंडदान का कार्यक्रम कर रहे हैं और गया पाल ब्राह्मणों की तरफ से ये पिंडदान का संकल्प लिया गया है। मैं शिव सत्संकल्प फाउंडेशन हैदराबाद और उनके गुरु श्री शिवानंद महाराज जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने बढ़ चढ़ कर इस पुण्य कार्य में हमारा सहयोग किया है। मेरे पिताजी श्री मनोहर लाल जी एवं दादाजी श्री स्वर्गीय श्री कन्हैयालाल जी शुरू से समाज सेवा के कार्यों में जुड़ रहे हैं। मेरे दादाजी गया म्युनिसिपैलिटी के अध्यक्ष भी रहे हैं और हमारा परिवार और हम सब लोग ये चाहते हैं कि कोरोना की ये महामारी जल्द से जल्द देश से चली जाए।